अब विद्युत क्षेत्र में आवेश कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। क्षेत्र में दो चालक प्लेटें, धातु की बनी हुई प्लेटें, चालक प्लेटें, एक को ए से एक को बी से प्रदर्शित किया है। ए पर धनावेश, बी पर ऋणावेश। वैसे भी धनावेश प्लेट के पास कोई अनावेशित तेज भी रखेंगे तो प्रेरण की विधि से उस पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पर चर्चा करें हम। जिस दिशा में विद्युत बल रेखा चलती वही तीव्रता की दिशा भी होती है, और बल रेखा शरीर धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है। इसके मतलब तीव्रता की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, जिसे बोर्ड पर कैपिटल इसे प्रदर्शित करा है। अब दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर कोई ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर कोई आवेश क्यू स्थित है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, चित्र से स्पष्ट है। धन प्लेट इस प्लस क्यू आवेश को प्रदर्शित करेगी ऋण प्लेट की ओर, पहली बात। दूसरा, ऋण प्लेट इस धन आवेश को आकर्षित करेगी, वो भी ऋण प्लेट की ओर आकर्षित करेगी। इस प्रकार धनावेशित ए प्लेट भी क्यू पर ए से बी की ओर बल लगा रही है, और ऋणावेशित प्लेट भी ये भी क्यू पर ए से बी की ओर बल लगा रही है। इस कुल बल को हम एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब ई तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, तो क्यू आवेश पर जो बल काम करेगा वो बल एफ बराबर क्यू ई, ये समीकरण एक से स्पष्ट कर दिया है। अभी जो आवेशित कण है जिसका आवेश क्यू है, इस कण का द्रव्यमान माना कि एम द्रव्यमान है। इस एम द्रव्यमान के आवेशित कण पर हमने देख लिया एफ बल काम कर रहा है, जिसे ए से बी प्लेट की ओर ले जा रहा है। यदि एम द्रव्यमान के कण पर एफ बल काम करेगा तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, इसकी गति त्वरित हो जाएगी। जब किसी कण पर बल लगता है तो उसकी गति त्वरित हो जाती है। इस एफ बल के कारण एम द्रव्यमान के आवेश कण में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। वो त्वरण यदि हम ए से प्रदर्शित करें तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम ए, ये समीकरण दो। अब एक और दो की तुलना कर देते हम तो संबंध आ जाएगा क्यू ई बराबर एम ए आ जाएगा, और ए का मान ज्ञात कर सकते हैं तिरछा गुणा करके, तो ए बराबर क्यू ई बटे एम। ये हमने त्वरण निकाल दिया है। ये क्यू आवेश वाला जो कण है जिसका द्रव्यमान एम है, इस पर एम बल लगने के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण का समीकरण ए बराबर क्यू ई बटे एम त्वरण का समीकरण। अब हमको गति का सामान्य समीकरण पता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। एस यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी है, जिसे हम टी से प्रदर्शित करेंगे। प्रारंभ में जब ये दोनों प्लेटें आवेशित नहीं थी, ये आवेश तो ये भी स्थित है, ये गतिशील नहीं था। मैंने प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो हो जाएगा इसका, और a का मान हमने निकाल दिया है प्लेटों पे आवेशित होने के कारण। u आवेश का त्वरण हमने निकाला हुआ, ये बराबर क्यू बटे एम, तो a के स्थान पर क्यू बटे एम लिख देंगे। और ये जो दूरी है, दूरी के स्थान s के स्थान पर d लिख देंगे।
तो संबंध आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2qed/m। यह ध्यान कर ली स्मॉल v वेग से अंतिम वेग से संबंधित पद है, अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है और u प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो v स्क्वायर बराबर 2qed/m है और ये जो समीकरण है इस समीकरण में e बराबर v टू d हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है v बराबर e/d होता है, तो e बराबर v टू d। तो जहां पर v टू d लिखेंगे हम देख रहे हैं यहां पर E बराबर v/d वोल्ट प्रति मीटर होता है, अभी हमने पढ़ा था। E बराबर v/d अथवा v बराबर e/d हो जाएगा। जहां पर हमने e/d लिखा है यहां पर v लिखेंगे, लेकिन सावधानी वाली बात है स्मॉल v वेग वाला v है और ये कैपिटल v विभव वाला v। v स्क्वायर बराबर 1/2qv/m, थोड़ा सा तिरछा गुणा कर लेते हम, 1/2mv² बराबर क्यू ही आ जाएगा। लेकिन 1/2mv² ये गतिज ऊर्जा का पद है, काइनेटिक एनर्जी का पद है, इसे के से प्रदर्शित करें तो के बराबर क्यू इंटू वी हो जाएगा, माने आवेश और विभवांतर के गुणनफल को उस आवेश कण की गति ऊर्जा से पुकारेंगे तो के बराबर क्यू इंटू वी। ये हमने विद्युत क्षेत्र में आवेश कण की गति पढ़ी थी।